चलिए जी, पहले तो appropriations वाला concept याद होना चाहिए। Appropriations, listen here, appropriations can't exceed, ये main point है, can't exceed available profit, is it correct? Is it correct? Appropriations can't exceed available profit, भाई ठीक तो है? This is correct. जितना profit है उतनी ही appropriations होनी चाहिए। फिर appropriations की ratio में हम लोग profit को बांट देते हैं, ठीक है ना? अगर प्रॉफिट 2 लाख है और एप्रोप्रिएशन का टोटल 270 आ रहा है, तो वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट दैट एप्रोप्रिएशन टू 2 लाख ओनली। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखते हैं बाकी स्टेटमेंट्स उसने क्या लिखी। प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। यस, इज इट करेक्ट? प्रॉफिट्स विल बी कहां पे इक्वल शेयर लगाते हैं, किसकी रेशियो में बांटते हैं प्रॉफिट को, किसकी रेशियो में बांटते हैं? अप्रोप्रिएशंस की रेशियो में बांटते हैं, कॉन्सेप्ट है ना? तो उसने गलत लिखा ना, इक्वल वाला तो फंडा ही तब लगता है इफ द डीड इज साइलेंट अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और कहीं पे इक्वालिटी ही नहीं लगती। सो दिस इज रॉन्ग। उसने करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने को बोला है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इज इट फाइन विद एवरीवन? आगे चलो, 20th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आई एम डिस्कसिंग, दिस इज 20th क्वेश्चन, अगला पढ़ो। Profit will be shared equally when there is a loss. जब loss या तो profit कहाँ से divide होना है? If there is a loss, how can I divide the profit? Profit तो है ही नहीं। Line देखो कैसे घुमा के लिखी हुई है। Profit will be shared equally if there is a loss. If loss is there, the loss is to be divided. How can I divide the profit? So this is again wrong. This is incorrect. आगे चलो। Interest on drawings will not be calculated in case firm is in loss. इस line को अब मैं ऐसे बोलूँगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट बीइंग कैलकुलेटेड इन केस फर्म इज इन लॉस। दोनों में से कौन सा करेक्ट है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट टू बी कैलकुलेटेड इन केस फर्म इज इन लॉस, देन आई एम स्पीकिंग अनदर लाइन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी कैलकुलेटेड इफ द फर्म इज इन लॉस। यस, दोनों में से कौन सा करेक्ट है? यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी प्रोवाइडेड विद द फर्म इज इन लॉस, क्योंकि लॉसेस के केस में अप्रोप्रिएशंस नहीं होती। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो चार्ज करना ही है फर्म को लॉस है तो, ये तो मेरी इनकम है भाई, इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएशन। हमारा क्वेश्चन तो कहता है इफ अप्रोप्रिएशंस आर देयर एंड देयर इज अ लॉस, देन अप्रोप्रिएशंस आर नॉट टू बी प्रोवाइडेड, तो ये करेक्ट होता अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा होता। ये भी इनकरेक्ट है, तो रह कौन सा गया? लास्ट वाला ही। तो लास्ट वाला भी क्यों करेक्ट है पढ़ो जरा। व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज्ड। वेरी इजी पॉइंट, 5 rules इन द एब्सेंस ऑफ द डीड, ठीक है? अगर डीड में नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज होता भाई, सैलरी भी नहीं होती, कमीशन भी नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं होता। बट इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन पार्टनर्स, पार्टनर्स लोन इज अगेन प्रोवाइडेड इफ द डीड इज साइलेंट एट द रेट ऑफ 6%। सो हाँ, 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है ना, ये तो ड्रॉइंग की बात है। उसने लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट टू बी चार्ज व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, दिस इज करेक्ट। करेक्ट ही तो ढूंढना था, पहले तीनों इनकरेक्ट है। वी वर सपोज टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। 20th किस किस का ठीक है? चलो अब 15th to 19th आर रिलेटेड विद केस स्टडी, एंड फर्स्टली आई विल बी रीडिंग द केस स्टडी। केस स्टडी मेरी थोड़ी सी माइंड में है, आपको भी थोड़ा सा रिकॉल करना है, ठीक है? और वहां पे क्या क्या कैलकुलेशन रिक्वायर्ड थी, लेट्स सी, इट विल टेक टाइम क्योंकि कैलकुलेशंस हैं। सो दिस इज केस स्टडी स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, फर्म हैज नॉट बीन स्टार्टेड ऑन 1st अप्रैल, फर्म इज बीन स्टार्टेड ऑन 1st मई। सारी कैलकुलेशन 12 महीने की करके बैठ जाओगे तो गलत हो जाना है। 11 महीने फर्म चली है, फर्म स्टार्ट ही 1st मई को ही है। पहला वर्ड 1st मई है क्वेश्चन का, इट्स नॉट ऑन 1st अप्रैल। हैज इट बीन ऑन 1st अप्रैल तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी 12 का होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 12 का होता, लेकिन यहाँ पे सारा हिसाब किताब 11 महीनों का होना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, ठीक है? Which is highlighting point of the case study. So, aisa question hai hamari book mein. This is A, is to B, is to C. Tino ki capital de rakhi hai. Aur agla important point pata kya tha? That interest on capital this time is to be treated like charge. Bracket mein likha. Interest on capital is to be treated like a charge. It means ki firstly it is to be deducted out of the net profit given, and then that net profit is to be transferred to the P&L appropriation account. करवाए हुए दोनों केसेस, इन मोस्ट ऑफ द टाइम
योर इंटरेस्ट इन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन. अगर चार्ज है तो वो पी एंड एल में से माइनस होना ना, लिखा हुआ इंटरेस्ट इन कैपिटल इज अ चार्ज ब्रैकेट में, वो भी आपने माइंड में रखना था. फिर उसने बोला प्रॉफिट की डिविजिबिलिटी, पहले तो प्रॉफिट आएगा तब देखेंगे. अप टू प्रॉफिट 180,000 इक्वली बांटना, मींस सबको 60,000 तो मिनिमम मिलना है, ठीक है. जितना इससे ज्यादा होगा वो 1:2 रेशियो में बांट. ये पॉइंट है हमारी आरटीएस गरेवाल में, लास्ट वाली इलस्ट्रेशन है 50s में, जो इलस्ट्रेशन है वहां पे उसने बोला हुआ है अप टू दिस इक्वली डिविजन होगी और इससे जितना ज्यादा होगा वो इस रेशियो में होगा, ठीक है. सो दिस वॉज अ पॉइंट टू बी कंसिडर्ड. आफ्टर दैट वी हैव, अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं. पहला पॉइंट पढ़ो और उसकी कैलकुलेशन करते हैं. इन फर्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल, चलिए जी लेट सी इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल. ये है सी की कैपिटल, दिस कैपिटल इज ऑन फर्स्ट मे, डन. ये कैपिटल है हमारी 4,00,000. नीचे कुछ लिखा है भाई, दे आर ब्रिंगिंग द कैपिटल, दे आर विदड्रॉइंग द कैपिटल. ऑन 1st October दे डिसाइडेड कि हमारी सबकी कैपिटल 4,50,000 होगी. उसके बाद 1st January को इसी सी ने विदड्रॉ किया, मींस माइनस किया 50,000. सारी कैलकुलेशन बोर्ड पे देखो, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे. टाइम पीरियड वाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है कॉन्सेप्ट इन योर माइंड. मई से लेके 30th September तक कितने महीने, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसके ऊपर 5 महीनों का लगता, परसेंटेज बाद में ढूंढ लेते हैं. डन ना. इतना 4,00,000 ये जो अमाउंट रही 5 महीने रही फर्म के पास, राइट सी की. आगे चलते हैं, अक्टूबर से लेकर दिसंबर 31 तक, क्योंकि जनवरी को तो 50 उसने विड्रॉ कर लिया. एंड यू नो विड्रॉल इज आउट ऑफ कैपिटल. दो तरह की ड्रॉइंग है सी की, वन ड्रॉइंग इज आउट ऑफ कैपिटल एंड अदर ड्रॉइंग इज आउट ऑफ प्रॉफिट. डन, करवाई हुई है ना टाइप्स ऑफ ड्रॉइंग. वन इज आउट ऑफ प्रॉफिट अगर खुद कुछ नहीं कहता, अगर खुद कह देता है तो ही इज टेकिंग इट एज ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल. काउंट करो जी, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने इस कैपिटल के ऊपर. अब 50 जब उसने विड्रॉ किया फिर से 4,00,000 हो गई. जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, बिगिनिंग में कहा था सारा हिसाब किताब 11 महीनों का होना है. इतनी कैपिटल के ऊपर 5 महीने, इतनी कैपिटल के ऊपर 3 महीने, इतनी कैपिटल के ऊपर 3 महीने, कुल मिला के 11 महीने का हिसाब किताब हुआ. 12 का हो ही नहीं सकता क्योंकि बिजनेस ही 1 मई को स्टार्ट हुआ. Am I right? What is the percentage of interest? I think 12% है. Interest on capital is 12%. देखो जरा, yes 12%. Calculate करवाओ जी. 12 into 100. Let's calculate it. Yes students, 12 से 12, 20,000. बोलो. हाँ क्या confusion है बोलो. मई से स्टार्ट है तो 5 नहीं बन रहा. डिवाइड तो 12 से ही करते होते बच्चे. एवरेज ऑन एन एवरेज 1 महीने का लेते हैं ना. हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर, 12 ही लेना होता है. डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम, ये ऊपर वाला न्यूमिरेटर 11 बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एवरेज बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट निकालते हैं. ये कैलकुलेशन चेक करो जरा, 12 से 12 गया फिर से, 4,500 इंटू 13,500. आंसर चेक करो, 45,500 कोई ऑप्शन है. हां जी प्रभनूर, ठीक था आपका ये 45,500 मैक्सिमम बच्चों का ठीक है, जितने मैंने रिस्पॉन्सेस चेक की आसानी से निकल जाता है. टाइम पीरियड वाइज यू हैव टू कंसिडर, इधर उधर से पूछ के नहीं करना था, खुद करना था. डन है, आगे चलते हैं सेकंड पार्ट के लिए. मेरे को क्या चाहिए, यस फिर से बहुत अच्छा पॉइंट कहता, पी एंड एल अकाउंट में से कितना प्रॉफिट उठाओगे और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे. अभी मैं कह के हटी हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, इट मींस कि तीनों पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगाओ, उसको प्रॉफिट में से माइनस करो. एक पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, उसका रेंट कैलकुलेट करो, वो भी प्रॉफिट में से माइनस करो. देन ओनली यू विल बी गेटिंग द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी एंड एल टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन. एक का इंटरेस्ट आ गया सी का, ए का निकालू और बी का निकालू, ठीक है. चलो पढ़ो जी,
बी एक ही कैपिटल है 4.5 लाख, ए का देखो पहले 4.5 लाख। ये 4.5 लाख कैपिटल कब है स्टूडेंट्स? 1 मई को। अब उसने बोला 1 अक्टूबर को सबने डिसाइड किया कि हमारी कैपिटल 4.5 लाख, ए का 5 लाख है भाई, हाँ ए की 5 लाख। 1 अक्टूबर को सबने डिसाइड किया कि हमारी कैपिटल 4.5 लाख होगी। इट मींस कि ये कुछ विड्रॉ कर लेगा ना। ये जो 5 लाख कैपिटल है ये कब से कब तक रही? मई से लेके 30 सितंबर तक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने। इस कैपिटल के ऊपर 5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अब याद हो गया है 12% लगाना है। अगला मैं नहीं काउंट करूंगी, अगर 5 महीने यहाँ पे आ गए तो बाकी 6 इधर आ रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल 11 महीने तो हैं। और काउंट भी कर लो अक्टूबर से लेके मार्च तक, 31 मार्च तक, 31 मार्च इज द क्लोजिंग डेट। फिर से बोलो 6/12 इंटू 12/100, करो जी काउंट, टेल मी द अमाउंट। 12 से 12 गया 0, 2 0 गई, 25,000, चेक करो 25,000। इसका करो 45 को 6 से 0 0, 30, 3 कैरी हुआ, 24 और 3 27, दिस विल बी 52,000। तीसरे का कितना था? 45,500। तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। व्हाई आई एम कैलकुलेटिंग इट, दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, बिकॉज इट इज अ चार्ज एंड चार्जेस आर टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट बिफोर इट इज टू बी ट्रांसफर टू द एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बिकॉज इट इज अ एक्सपेंस, व्हेन इट इज अ चार्ज इट इज एन एक्सपेंस। सो तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 0 0, दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 9, 97,500 एक माइनस होगा। प्रॉफिट देखो कितना, 5 लाख है, गिवन प्रॉफिट इज 5 लाख। चेक करो, एक पार्टनर ने मेरे को रेंट पे बिल्डिंग दी हुई थी और उसका रेंट 5,000 है पूरे साल का, बोलो कितना होगा? 5,000 अ मंथ है, पूरे साल का कितना? ऊंचा बोलना मास्क नीचे करके, यस इनटू 11 करना है भाई, नॉट 12, बिकॉज बिजनेस हैज बीन स्टार्टेड ऑन 1 मई, राइट? इट इज 55,000, एक तो 55,000 माइनस करो रेंट, 0 0 0, दिस इज 5 45 4 45, एक तीनों का इंटरेस्ट माइनस करो, 97,500 0 0, दिस इज 5 14 7 13 4, देखो जरा कितना है आंसर। मैंने माइनस ही किया, चेक करो, सी प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू, ना मैंने कुछ गड़बड़ करी है, और क्या रहता है, क्या बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने निकाला ही नहीं। यस बी का निकालो, बी का कैपिटल कितनी है बी की? 450। बच्चे उसने बोला 1 मई को अगर 450 है तो 1 अक्टूबर को भी 450 रखनी है, तो इसकी तो सेम ही रहेगी ना। कितने परसेंट? 12%। कितने महीनों का? 11 महीनों का, एम आई राइट? इसका तो ओवरऑल 11, ये आसान बना दिया, एक पॉइंट उसने आसान डाल दिया बीच में, 1 मई से लेके 31 मार्च तक कंप्लीट। इसने 4.5 रखनी है, इसने ना विड्रॉ किया ना कुछ लेके गया, ठीक है? इसका 4.5 पहले ही 4.5 लाख था, ठीक? करो जी 11 से मल्टीप्लाई, कितना बनेगा? करो 11 से मल्टीप्लाई जल्दी से, मैंने किया होगा, सॉरी, बोलो 4 495, ओनली 495, हाँ 4, बोलो 495, ये 495, 0 0, माइनस करो 347,500 में से 4 0 0 0, यस 8, यस 3 9, है ऑप्शन 2,98,000 ऑप्शन है, वही करेक्ट आंसर है, 2,98,000 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ प्रॉफिट। एक ऑप्शन निकालने के लिए हाउ मच आई सॉल्व, आई कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ऑल द 3 पार्टनर्स, एंड उसी कैपिटल के इंटरेस्ट में उसने इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया, बिकॉज ही wants it is to be treated as a charge, if it is a charge it is to be deducted, and then ek aur point beech mein dal diya, rent payable to the partner, that is also a charge. Had he been treating interest on capital as an appropriation to main kabhi bhi calculate na karti,
और ना ही मैं माइनस करती, फिर तो सिंपली रेंट 55,000 आता, मैं माइनस कर देती, मेरा आंसर आ जाता। But he himself told me in the question that interest on capital is to be treated like a charge. If it is a charge, it is to be deducted. Any doubt to anyone? यहाँ तक कोई doubt है? चलो अगला case देखो. Point. Let's come to next. बार बार स्क्रीन ही आउट हो जाती. अगला देखो. अभी तक हमने दो पॉइंट किए हैं. Yes, अगला भी आसान है. अगला है ही आसान. इंटरेस्ट ऑन सीज ड्रॉइंग्स. तीनों बंदों की ड्रॉइंग्स का अलग अलग रूल है और तीनों की निकालने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एंड में बी का प्रॉफिट शेयरिंग निकालना. बच्चे ये याद रखना दैट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन इज दिस. इतना याद रखना ठीक है क्योंकि इसकी मेरे को जरूरत पड़ने वाली है अगले पॉइंट में. सी की ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट. चलो जी सी की ड्रॉइंग कितनी है पढ़ो. हाउस इज विदड्रॉइंग 50,000. ध्यान से देखना. एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सिक्स मंथ, छह छह महीने के बाद, और पहला जो विड्रॉल है वो 1 जून को स्टार्ट हुई. ठीक है हम कैसे किया? इतना डेड श्योर है कि 1,00,000 ड्रॉइंग है ना, क्योंकि छह छह महीने के बाद अगर ड्राइंग करी तो 1,00,000 ही करी होगी, साल में 2 बार हुआ. ठीक, अब हमने कैसे काउंट करना है? मैं एवरेज कैसे निकाला करती हूँ? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल. पहले तो आप मेरे को बताओ, अगर पहली ड्राइंग जून को हुई है, ये जून है, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर और ये नवंबर, ये पहले 6 महीने हुए, यही हुए ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 2, 2, 4, 6. अगली ड्राइंग कब हुई होगी बोलो? दिसंबर. दिसंबर के बाद जनवरी, दैट इज फर्स्ट मंथ, फरवरी एंड मार्च. मैंने कैसे करना है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल. जून के बाद कितने महीने हैं? फर्स्ट जून, जून भी काउंट करूंगी, 5 है, 6 और 4, 10 है. मई में ड्राइंग नहीं हुई भाई, जून में हुई है. बिजनेस मई में स्टार्ट हुआ है, 10 महीने देख लो, लिख के बताए. पहली ड्राइंग कब हुई? 1 जून को. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 10 ही बने, जून को काउंट करेंगे ना क्योंकि बिगिनिंग है. ठीक है, फिर अगली ड्राइंग कब हुई होगी? पहली दिसंबर. ठीक है, कितने महीने? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 4 डिवाइडेड बाय 7 महीनों का लगना. सी का 1,00,000, करो कैलकुलेशन, देखे मैच करता है कि नहीं. कितने परसेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? कितने परसेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोलो? जिन्होंने खोला हो वैसे स्क्रीन वो तो बोलो. 9% इंटू 7/12, करो जी कैंसिल. 9% है, 0 कटनी तभी तो. ठीक है, 3 के टेबल पे 3 3 सा 3 4 सा, ये बन गया 2 0 कैंसिल हो गई, ये 250 को 21 से मल्टीप्लाई करो जल्दी, आपकी ड्यूटी है. देखें आंसर आता कि नहीं. 250 डिवाइडेड बाय 20 सॉरी मल्टीप्लाइड विद 21, देखो ऑप्शन, करो कैलकुलेशन जल्दी से. 2550 ऑप्शन है, वही करेक्ट है, 2550. ये माइंड में नहीं आना आपके, फॉर्मूला वही लगना है. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, डेट्स को माइंड में रखो. ड्रॉइंग जून से नहीं स्टार्ट हुई, यहाँ पे 11 महीनों का लगा ही नहीं और एवरेज 7 महीनों का लगा. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 10 months, टाइम लेफ्ट आफ्टर बाकी के 2 महीने अगले साल में चले जाएंगे. मेरे को क्या है, मैंने तो 31 मार्च तक काउंट करना है ना, दैट इज माई 3rd month ऑफ द नेक्स्ट ईयर. गेटिंग इट? चले आगे. इंटरेस्ट ऑन सीज ड्रॉइंग, अभी तक 3 नंबर सॉल्व हुए हैं. That's why he gave you 90 minutes. 40 question को करने के लिए 90 minutes इसीलिए दिए, because it is going to be calculation based भाई. Done? आगे चलो. और मैंने क्योंकि साथ साथ समझाना है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, वहां पे तो आपने खुद करना सॉल्व. अगला पढ़ो. Yes. एक ही ड्रॉइंग के ऊपर ऑन एन एवरेज कितने मंथ की कैलकुलेशन करोगे? ये शायद सुहानी कह रही थी, ये गलत मैंने मेरे को लगता हुआ है. This is wrong. आंसर की में रॉन्ग है, मैं बताती हूँ कैसे. हाँ, एज ड्रॉइंग पहले चेक करो आप, पहले मेरे को बताना फिर मैं करेक्ट आंसर बोलती हूँ. ठीक है,
एक ही ड्रॉइंग के का क्या रूल है, पढ़ो, एक ऐसे ड्रॉइंग करता है, देखना जी। 6000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 31 May 2021। क्या मतलब है इस लाइन का? उसने बोला कितने मंथ्स का ऑन एन एवरेज लगेगा, इसने कितनी कितनी बार ड्राइंग करी, मई में करी ना, सिर्फ अप्रैल में नहीं करी, ओवरऑल 11 महीने करी, वो मेरे को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मैं बाद में निकालूंगी। हाँ, जरूरत पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी, तो 11 महीने का लगाओगे आप, ठीक है। 11 बार ड्राइंग करी, टोटल अमाउंट 66,000 आएगी। यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो सकता है, टोटल अमाउंट विदड्रॉन बाय ए, बोलो कितना, टोटल अमाउंट विदड्रॉन बाय ए कितना होगा? फर्स्ट ड्रॉइंग ही इज डूइंग ऑन 31 मई, सिर्फ अप्रैल में नहीं करी, बाकी तो सारे महीने करी, 66,000 होगा, ठीक है। पर उसने मेरे से अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने पूछा है कितने मंथ्स का ऑन एन एवरेज आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाओगे। चलो जी, करना शुरू करते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, अप्रैल भी गया, मई भी गया, क्योंकि मई का एंड है, बोलो कितने महीने, अप्रैल भी गया, मई भी गया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 10 मंथ्स। लास्ट ड्रॉइंग कब हुई होगी, लास्ट ड्रॉइंग कब हुई होगी, 31 मार्च को, 0 मंथ, ऑन एन एवरेज 5। मेरे को लगता है यहाँ पे की में मैंने गलत कर दिया, 5.5 नहीं है, 5 महीने, ठीक है। सो हियर द की वाज रॉन्ग इन द पेपर, 5 महीने, 5 मंथ्स इज द राइट आंसर। मेरे को लगता है सुहानी, शी वाज आस्किंग यस्टरडे 18th क्वेश्चन, सो इट्स नॉट 5.5 मंथ्स, इट्स 5 मंथ। कैसे आया आपके सामने है, मनरीत ठीक है, प्रभनु ठीक है, ये नहीं ठीक, आपका गलत है, वैसे मैंने कैलकुलेशन ठीक करी है, हैव यू गॉट इट, समय डन। चलो जी आगे पढ़ते, अगला और भी टफ है, 4 हो गए कि नहीं, यस। सारा सारी कहानी दोबारा घुमाएंगे, कहता बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो, पहले मेरे को प्रॉफिट तो पता चले कितना है। चलो जी प्रॉफिट निकलवाना जरा, अब ध्यान से सुनना, अभी तक प्रॉफिट ये आ चुका है, जिसमें से बोलो रेंट माइनस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस है, क्या करूं इसमें और कि प्रॉफिट आए टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। दोबारा बोलो, ये कैसे आया, पहले तो निकाला है, 5 लाख में से क्या माइनस किया था, रेंट गिवन टू ए 55,000, 11 महीनों का 66,000 सॉरी, और तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के माइनस कर दिया था, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अ चार्ज। वट एल्स आई हैव टू डू हियर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी एडेड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी एडेड, जिसमें सी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक का निकला हुआ है, बाकी दोनों का निकाल लें, ए का बोलो कितना ड्रॉइंग होगा, इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग, पहले ए की ड्रॉइंग बोलो कितनी है, ही इज विद ड्रॉइंग 66 है, अभी डिस्कस किया था, मेरे को बार बार क्वेश्चन देखना पड़ता है ना, 6000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो ए की ड्रॉइंग बनी 66,000, कितने महीनों का लगाना है, 5 मंथ्स का भी डिस्कस किया, इंटू 9% इंटू 5/12 कैलकुलेशन करके रखो आप, सी का ऑलरेडी निकाल चुकी हूं, बी का निकालो, बी इज ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट, बी कैसे विड्रॉ करता है भाई, बी का पढ़ो, हाउ बी इज ड्रॉइंग 21,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। चलो जी देखो क्वार्टर, देखो एंड क्वार्टर इज स्टार्टेड ऑन जुलाई, ये जुलाई है, जुलाई भी आएगा, अगस्त भी आएगा, सितंबर भी आएगा, फर्स्ट क्वार्टर डन, देखो दिस इज जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर इज सेकंड क्वार्टर, देन आगे बोलो जनवरी फरवरी एंड मार्च इज माय थर्ड क्वार्टर, पहला क्वार्टर इसने कोई भी ड्रॉइंग नहीं करी, इट मींस कि हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर, 3, एंड ही इज बिगिनिंग ऑन द बिगिनिंग क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब पहली ड्रॉइंग उसकी हुई अगर पहली जुलाई को, तो दूसरी हुई होगी 1 अक्टूबर को, और तीसरी हुई होगी 1 जनवरी को, एम आई राइट, टाइम पीरियड निकलवाओ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 9 के 9 मंथ्स, क्योंकि पहली जुलाई को हुआ है, प्लस लास्ट वाली कब हुई होगी, 1 जनवरी को, 3 के 3 महीने, 6 महीने का लग रहा है, देख लो 6 मंथ्स का। चलो जी बी की ड्रॉइंग कितनी है, कितना विड्रॉ करता है वो, At the beginning of every quarter, how much he is withdrawing? 21,000 into 3, 3 है ना quarter,
टोटल ड्रॉइंग निकालनी होती है ना बेटा, 21,000 को मत मल्टीप्लाई करने बैठ जाना, हमेशा टोटल ड्रॉइंग निकालते हैं। यहाँ पे भी टोटल निकाली है ना, 6,000 एवरी मंथ था, तो मैंने 11 से मल्टीप्लाई करके 66 निकाला। वहां पे मैं 21 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 63 आएगा इंटू 9% एंड ऑन एन एवरेज 6 मंथ। दोनों की कैलकुलेशन आप बताओगे जल्दी से, अभी बहुत सारा पड़ा हमारा। टेल मी कितना आया ये निकाला आपने, इसका कितना? 2,475। डन, आगे चलो। इसका बोलो कैलकुलेटेड हरी आप। हाँ ठीक है, 2,475 डन है। अगले का 2,835 आना शायद, 2,835 डन। क्या सिखाया? ये प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर्म की इनकम है। तीनों की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड करवाओ, 5,250 सी का, 2,475 ए का, 2,835 बी का। चलो जी ऐड कर, अभी भी प्रॉफिट की डिवीजन नहीं हो पाएगी। 10, हाँ जी 12 और 3 15 और 1 16, कैलकुलेशन चेक करना, 6 और 1 7 15 1 10 17 19 3 लाख। मैंने बीच में कुछ मिस किया, टोटल चेक करो, ये 3,95,000 नहीं बन रहा, कुछ गलत किया मैंने। 10 1 कैरी किया, 12 और 1 13 16। ये डिजिट के नीचे डिजिट नहीं आए ना मेरे, 3,08,560। ओके डन, 3,08,560 में से बी का शेयर निकालना है। उसने बिगिनिंग में क्या बोला, 1,80,000 तो इक्वली डिवाइड करो, उससे जितना एक्सेस है निकालो एक्सेस। 3,08,560 में से 180 माइनस करो, ये तो क्वेश्चन है हमारी बुक में। 0,6,5,8,1,28,560, 1,28,560, इसको किस रेशो में बांटना है, 1:2:2। इस प्रॉफिट का 2/5, और इतना तो पता ही है 60,000 मिलना भी, बी का शेयर निकाल रही हूं मैं, ठीक है, बी का 60,000 ये हो गया। 1,28,560 का 2/5 निकालो जल्द से, आंसर मैच करवाना मैंने। 1,28,000 क्योंकि कैलकुलेशन आपने करनी बेटे जी, बीस शेयर ऑफ प्रॉफिट, बीस शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज देख लो प्रभनूर, इतनी है ना, 1:2:2 है, चेक करो, मेरी बार बार स्क्रीन आउट हो रही है, हाँ 1:2:2 है। डन, सो पहला 180 का इक्वल 60,000, इसका आपने निकालना 2/5 कितना आता, 5,241, ये ऑप्शन है, 1,11,425 इज द फर्स्ट ऑप्शन इन द क्वेश्चन। सो इट टुक अगेन अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ओवरऑल क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना पड़ा है, तो 5 नंबर लेना आसान नहीं है। 5 out of 5 अगर केस स्टडी का हर पॉइंट ठीक होगा तभी, मान लो आप इंटरेस्ट ऑन सीज ड्रॉइंग गलत कैलकुलेट करते हो, सी क्या है, फिर कोई कैलकुलेशन गलत है, पहली ऑप्शन करेक्ट है, पहली ऑप्शन करेक्ट है, नेक्स्ट पीरियड में कर देते हैं तो यहां पे पीछे 4 आएगा, आपने कैलकुलेशन गलत की होगी, पीछे 4 आएगा, 4 है ना, आपने कैलकुलेशन में क्या किया, 4 है पीछे, तो 4 है ना, 4 कर लो फिर, कैलकुलेशन में 4 है, ठीक है, ऑप्शन में भी 4 है, डन, वी अराइव्ड एट द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, rest of the things we will continue tomorrow, or tomorrow nahi, in the next video. Why 11/2? Gaurav, we will discuss in the next period. It's 10/2. We will discuss in the second, fourth period, right?